इसके मुरार के ये मैं लगा के दिखाऊंगी आपको, तो आप इसको देखिएगा कि ये लगने के बाद कैसे लगते हैं, ठीक है। इसको हमने सीलर पर लगाया फिंगर से, ये मैंने ज़्यादा लगा दिए, आपको एक ड्रॉप से भी कम लगाना है आइस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, लगाने के बाद मैं इसका कलर उठाती हूँ, ये वाला। इसको हमने इस तरह फिंगर के साथ लगाना होता है, और ये सीलर लगाने से आपकी जो नीचे आई शेड आपने लगाया है ये कुछ भी वो इसमें ये कोई क्रीज नहीं डालेगा, कोई वो नहीं करेगा, बस हमने फिंगर से इसको जस्ट टैप करना है और ये चिपक जाएगा अपनी जगह पे, ठीक है। और इसमें भी हम लगाते हैं दूसरा कोई कलर, अब मैंने सही लिया ये, जैसे ये है, और इसके लिए हम लेते हैं गोल्डन का ये कलर। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको इसको रब करके भी दिखाऊंगी, तो ये हटेगा नहीं, अपनी जगह फिक्स हो गया ये, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे जो इसके हैं ग्लिटर, ये हम ये वाले जो है डस्ट जो है ये हम पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और सीलर के साथ भी। पहले मैं आपको पानी के साथ लगा के दिखाती हूँ, फिर मैं सीलर के साथ लगाऊँगी, पानी के साथ भी और विदाउट पानी भी लगाएंगे, लेकिन अगर हमने इसको स्टे कराना है तो हम पानी के साथ इसको यानी पानी लगा दें, या मैं अपने ब्रश में भी लगा सकती हूँ, ठीक है। ये देखें, इसको हम हाइलाइटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम आईज पे उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो हमें चाहिए होता है लाइटर सा, तो देखिए। अच्छा, अब मैं बगैर पानी के भी लगाती हूँ, ये बगैर पानी के, ये ना तो नहीं, ये देखिए, ये बगैर पानी के, इसको मैं फिंगर से अच्छा दबा के कर रही हूँ ना, ये देखिए, क्यों क्या इसमें गोल्डन भी है। ठीक है, अब मैं इसको भी सीलर से लगाती हूँ, सीलर लगाया मैंने, और इसका मैं ये लेती हूँ, इसका दूसरा कलर है ये मैंने सीलर के साथ यूज़ कर लिया। सीलर से बहुत पक्का लग जाता है, तो पानी से ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि सीलर से ये बहुत पक्का लग गया। अब मैं ऐसे पानी से भी धोऊंगी तो ये साफ़ नहीं होने वाला जब तक मैं क्लिनजिंग नहीं करूँगी इस पर, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें होगी, अभी इसके मुराद के एक हाईलाइटर हमारे पास आए हैं बिल्कुल न्यू लेटेस्ट, इसको आप अपना पूरा मेकअप करने के बाद हल्का सा लगाएंगे, लेमिनेटर भी कर सकते हैं इसको, और वैसे भी ये हम यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ लगाती हूँ ये, ठीक है, बहुत कम लगाना पड़ेगा ये इस तरह, चाहे तो हम इसी बेस के अंदर यूज़ करें, चाहे मैं इसको अलग से भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं आपको दूसरा कलर से दिखाती हूँ, ऐसे आपके बेस को कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप भी सारे इसको हम जिस तरह रख करते हैं ये लाइट हो जाएगा, जितना चाहे हम इसको रखें, जितना चाहे हमें इसे हटा दें, ये जिस तरह हाइलाइटर के तौर पे भी हम ले सकते हैं हाइलाइटर, और इसमें कलर दूसरा दिखाते हैं आपको,
स्किन कलर है ये। इसके पांच कलर हैं हमारे पास, हाइलाइटर के पांच कलर हैं। और ये देखेंगे जो मैंने ये पाउडर वाले यूज़ किया था, मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो ये ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि अब ये पानी जो है खुश्क हो गया इसका। ये देखिए जितना मैं चाहूँ इसको फैला दूँ, लेकिन इसमें बस हमें ये ख्याल रखना है कि ये बहुत कम यूज़ करना है। अब आपने आइडिया क्या देखे, ये देखिए इसको हटाने की कोशिश करें तो ये ठीक है।